वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 16 के जिम्मेदारों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। जनाब अहमद साहब, जनाब नासिर साहब, जनाब हमारे अब्दुल करीम साहब और यहाँ के सब नौजवान आरिफ, जितने भी नौजवान हैं हमारे अहमद भाई होटल वाले और जितने भी यहाँ के नौजवान हैं जो जिम्मेदार हैं, मैं सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी बेहतरीन ऑफिस, इतने शॉर्ट पीरियड में आप लोगों ने इतनी ग्रैंड ओपनिंग की। ये सिर्फ ओपनिंग करना, ऑफिस डालना, बस यहाँ तक काम नहीं है हमारा। वोट हमको MIM को दिलाना है और ये 15 और 16 में MIM ही जीतेगी। हमारे कौसर महुद्दीन साहब हैदराबाद से आए हुए हैं, वहाँ के टोली चौकी के MLA हैं, आपके सामने एक 5 मिनट आपसे बात करेंगे। कौसर साहब, मैं वार्ड नंबर 16 और 15 के मजलिस के जिम्मेदारों को और यहाँ के मोहिबान मजलिस को और तमाम बुजुर्गों को मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी, घर में बैठकर सुनने वाली मेरी पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आज गुलबर्गा शहर वार्ड नंबर 15-16 इन दरमियान में मजलिस का एक प्राइमरी यूनिट है और ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया। जो इस बस्ती के जो जिम्मेदार है, नौजवान या बुजुर्ग हजरात, उन तमाम से मैं अपील करता हूँ कि आप ऑफिस खोलने से नहीं होता, आप तमाम को एक जिम्मेदारी, जो हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार, जो आने वाले ML इलेक्शन के उम्मीदवार जनाब इलियास साहब और यहाँ के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के मजलिस के सदर अब्दुल रहीम साहब ने यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बुज़ुर्गों को जो जिम्मेदारी दी गई और आप तमाम की जिम्मेदारी ये है कि घरे घर पहुँचे, मेरी माँ और बहनों से बताए कि आपकी जमात के ताल्लुक़ से जो मजलिस ने जो हिंदुस्तान भर में जो काम करी कौम के लिए और जो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम जो नखिब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने हिंदुस्तान में फिर फिर कर कौम को मुत्तहिद करने के लिए, आपको मुत्तहिद करने के लिए और बेड़ा जो उठाया और उसी की घड़ी है जो गुलबर्गा शहर के अंदर भी यहाँ पर मजलिस की शाख जो डाली गई। और इन तमाम से गुजारिश करता हूँ आने वाले बल्दिया इलेक्शन में जहाँ पर भी हमारे मजलिस के उम्मीदवार ठहरेंगे, उन तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करना गुलबर्गा के नौजवानों की, बुजुर्गों की, मेरी मार बहनों की जिम्मेदारी बनती है। मौजूद तमाम मजलिस के जिम्मेदारान अहदेदारान, मैं इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ कि सही वक्त पे उन्होंने सही फैसला लिया, तमाम दीगर चीज़ों को, लालचों को नज़रअंदाज करते हुए एक तंजीम को, जो सियासी तंजीम भी है और ये मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, इसको मजबूत करने के लिए आप लोग आगे आए हैं। ये हल्का भी मेरा जो है ना साबिका में कॉन्स्टिट्यूंसी रहा है, यहाँ के नौजवान जब मुत्तहिद हुए तो तारीख गवाह है कि उन्होंने मेरा साथ इस तरह दिया कि यहाँ के तमाम उम्मीदवारों की जमानत जब्त की कि आने वाले बल्दी इलेक्शन में, बहुत जल्द बल्दी इलेक्शन होने वाले हैं, 15 और 16 में MIM के कैंडिडेटों को जिताने की अपनी पूरी पूरी कोशिश करेंगे। MIM को मजबूत करना हमारी ज़रूरत है, हमारे लिए वक्त का तकाजा है। आप लोगों को अगर मैं कुछ कहूँ तो ये डराने वाली बात नहीं, जब तक हम जिंदा हैं इंशाल्लाह वो मुसीबत आने नहीं देंगे, मगर आपको होशियार करना हमारी जिम्मेदारी है। गुलबर्गा के जितने भी एक्सटेंशन कॉलोनीज हैं, वो कॉलोनीज आप सभी को मालूम है कि अनऑथराइज हैं। कांग्रेस पार्टी जिसके हम जो है ना ऐसा लगता है कि जरखरीद गुलाम है, वो लोग हमको जरखरीद गुलाम समझते हैं। वोट लेने के टाइम तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बातें करते हैं, गवर्नमेंट से एक आर्डर आ चुका है कि यहाँ के पूरे खाता एक्सेट कैंसिल करो, सेक्शन 302 के तहत एक्शन लो, 322 के तहत एक्शन लो। 322 ये कहता है कि जो अनऑथराइज बिल्डिंग है उसको डिमोलिश किया जाए, ये कांग्रेस के दौर में हुआ था। लेकिन SAS बोल के जो कानून आया, टैक्स अपनी तरफ से जो रिटर्न सबमिट करना है
उसमें एक प्रोविजन ये है कि जो भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है उसको डबल टैक्स लो, बिल्डिंग तोड़ने की ज़रूरत नहीं। मगर ये एक्ट में क्लियर नहीं है। एक्ट 322 ऐसे अनऑथराइज कॉलोनीज के ऊपर खुली लटकती हुई तलवार है। MIM के कॉरपोरेटर अगर जीतेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि हम स्टेट गवर्नमेंट से लड़कर इन अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। MIM की टीम जितनी भी है उन सब के लिए हमारे लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग मंजिल के हाथ मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह।